अस्सलामुअलैकुम। ये किसे मिलना है? मुझे मैडम गुल से मिलना है। मगर वो तुमसे नहीं मिल सकती। कैसे नहीं मिल सकती? उन्हें बताएंगे काशिफ आए उनके ऑफिस से, बहुत ज़रूरी काम। बता भी दूँ तो क्या फ़ायदा, वो सुन तो लेगी मगर बोल नहीं सकेगी। या फिर साहब के आने का इंतज़ार कर लें। नहीं, मुझे मैडम से ही मिलना है। अच्छा आप रुकें, मैं अंदर बताता हूँ। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी बात कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि शावेज साहब आ जाए। बहुत अफसोस हो रहा है आपको इस हालत में देखकर। मैडम दरअसल मैं वो हूं जिसने फोन पर आपको इत्तला दी थी आफरीन के बारे में। मैडम आफरीन एक बहुत ही शरीफ खानदान की लड़की है, सर शावेद उसे फंसाना चाह रहे थे ताकि उसके साथ वो बुरा फेल। दरअसल गलती मेरी थी मैडम, मैं उनकी बातों में आ गया था। वो भी सिर्फ चंद पैसों की खातिर, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूं। साहब अब आप जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। मैडम आपका शौहर एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप अपना ख्याल रखिएगा मैडम। मैं चलता हूँ। प्लीज सर शावेज को मालूम नहीं हो कि मैं यहाँ आया। साहब मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। मैंने बहुत समझाया अब्बा को, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सर शाफिज ने तुम्हें तुम्हारे वालदेन से बहुत खिलाफ कर दिया है, बहुत ही शातिर इंसान है ये। वो चाहे जितना भी शातिर हो, दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि मेरे अपनों ने मेरा यकीन नहीं किया। तुमने आप ही से बात की? हाँ बहुत समझाया था, लेकिन उन पर तो शादी का भूत सवार था। मुझे कहती हैं कि मुझे तो अच्छे बुरे की तमीज़ का पता ही नहीं है, वरना हर लड़की सर शावेज जैसे लड़के की तमन्ना करे। अच्छा है आफरीन, तभी उन्हें तुम्हारी कदर कीमत का अंदाज़ा होगा। बस मैं इस दिन से डरती हूँ कि उसका असली चेहरा मेरी आप ही के सामने ना आए। पता है आफरीन, तुम एक बहुत अच्छी बेटी, बहन और दोस्त हो। अरे तुम ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे सब्र शुक्र का इनाम जरूर देंगे। थैंक यू। तो चलो मुझे किचन में कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे आंटी आपके घुटनों में दर्द है क्या? हाँ बेटा बड़ी तकलीफ रहती है।
वैसे ये भी बहुत ही अजीब मर्ज है. आजकल तो मॉर्निंग शोज में इतने बीमारी के टोटके बताते हैं, वो क्यों नहीं देखती? हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक मॉर्निंग शो में देखा था कि एक हर्बल डॉक्टर ने बहुत ही अच्छा टोटका बताया था. बंद गोभी होते ना, उसके पत्तों को आप गर्म करें और घुटनों पर रखें, ऐसा आराम मिलेगा ना जो चुटकियों में आपका दर्द गायब हो जाएगा. अरे बेटा, हमें क्या पता क्या बताते हैं टीवी में क्या नहीं बताते, हम कौन सा सुबह सुबह टीवी खोलते हैं भाई. मुझे तो निरी नहुसत लगती है टीवी खोलना सुबह सुबह. लीजिए, इसमें नहुसत कैसी, हमारे घर तो सुबह होते के साथ ही टीवी खुल जाता है. मैं तो अपना नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ टीवी के आगे करती हूँ. मुझे तो समझ नहीं आता, जब ये टीवी नहीं था तो ये औरतें अपना वक्त कैसे गुजारती थी. उस वक्त बेटा सारे घर के कामकाज औरतें खुद करती थी, मासियां नहीं होती थी उस वक्त. आजकल तो कुछ काम ही नहीं किसी को, सारा वक्त बैठ के टीवी देखती रहती हूँ, मासियों को कंट्रोल करने के तरीके सीखती रहती हैं. ठीक कह रही हैं आप. वैसे मैंने जो आपको टोटका बताया ना, वो आप जरूर करके देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको. ठीक है, कर लूंगी, लेकिन मैं तो बस जैतून का तेल मल लेती हूँ. हाँ, ये भी ठीक है. लगता है आफरीन मशरूफ है. नहीं कि मैं तो मशरूफ नहीं ना, मैं जाके खोल देती हूँ. कौन है?